नमस्कार, मैं आनंद आप सभी म्यूजिक लर्नर्स कलाकारों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे अपने इस चैनल पर। इसका नाम है सुरभि स्वर संगम। तो आज मैं बैंजो का लेसन लेकर के आया हूँ यहाँ पर। मैं आपको, क्योंकि कई सारे बिगनर्स के मन में या कभी कभी कुछ इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स जो होते हैं, उन लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि जो प्लेक्ट्रम हम लोग जो यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो कौन सा प्लेक्ट्रम हमको यूज़ करना चाहिए, कौन सा प्लेक्ट्रम अच्छा होता है बैंजो में बजाने के लिए। ठीक है, तो आज उसी के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ प्लेक्ट्रम हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कितने सारे प्लेक्ट्रम हैं मेरे पास, ये अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपको प्लेक्ट्रम दिखेंगे। ठीक है, बट इनमें से, इन प्लेक्ट्रम्स में से कौन सा प्लेक्ट्रम हमको यूज़ करना चाहिए, मैं कौन सा प्लेक्ट्रम यूज़ करता हूँ, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इतने प्लेक्ट्रम्स में से मैंने चार प्लेक्ट्रम निकाले हैं। उन चार प्लेक्ट्रम के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा प्लेक्ट्रम बैंजो के लिए बहुत बढ़िया है, बेहतर है। ठीक है, जहाँ पर आपका हाथ बहुत अच्छे से चलेगा, अटकेगा नहीं। ठीक है ना, स्पेशली बिगिनर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर कुछ तीन से चार प्लेक्ट्रम मैंने निकाले हैं, उसके बारे में मैं आपको भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करें उससे पहले, जो लोग पहली बार मेरे वीडियो पर आए, आप लोग ज़रूर मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आप लोगों के लिए एक्टिव रहता हूँ, इंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट आपको लगातार मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर भी मिलता रहेगा, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो मैं कई सारे लेसन म्यूज़िक के लेकर के आता ही रहूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको जो चार प्लेक्ट्रम, इतने प्लेक्ट्रम्स मैंने जो अभी आपको बताया, उसमें से चार प्लेक्ट्रम मैंने यहाँ पर निकाले हैं, तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखिए, ये चार प्लेक्ट्रम आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब इसका पूरा थिकनेस मैं बता रहा हूँ, थिकनेस जो प्लेक्ट्रम के हम लोग इसकी जो यूनिट है वो MM है। ठीक है ना, थिकनेस को हम लोग MM में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लेक्ट्रम है, ये चार प्लेक्ट्रम है, तो मैंने इन चारों प्लेक्ट्रम को यूज़ किया है। तो जो मेरा अनुभव रहा है, क्योंकि सभी का अनुभव देखिए अलग अलग हो सकता है, बट जो मेरा अनुभव है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इसके अलावा जो भी आपको सूटेबल लगता है वो प्लेक्ट्रम आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा सबसे छोटा, सबसे पतला वाला जो प्लेक्ट्रम है हमारा, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखिए 0.46 दिखाई दे रहा होगा आपको, 0.46 mm। ठीक है, ये जो कंपनी है ओलाइजर नाइलॉन, ठीक है ना, ये कंपनी का नेम है। तो 0.46 mm, कंपनी का नाम मैं लूंगा नहीं बार बार, अदरवाइज कभी कभी होता है ना कि सर ये वीडियो आपका स्पॉन्सर्ड तो नहीं है, है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बट आप लोग नाम पढ़ लीजिएगा। तो ये 0.46 mm का प्लेक्ट्रम है, और दूसरा प्लेक्ट्रम मैं आपको बता रहा हूँ, ये है, एक मिनट इसका मैं थोड़ा देख लेता हूँ, हाँ 0.58 mm, कंपनी का नाम भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 0.58 mm। ठीक है, ये प्लेक्ट्रम नंबर टू हो गया। प्लेक्ट्रम नंबर थ्री, ये थिकनेस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले आपने 0.46 mm का देखा, देन उसके बाद 0.58, अभी 0.60 ये वाला, ये कंपनी का नेम भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हालांकि मेरे ख्याल से कंपनी तो आप कोई सी भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई इतना बड़ा रोल नहीं है वहाँ पर, बट हमको थिकनेस मेन देखनी पड़ती है, 0.71। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मोटा है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये चार प्लेक्ट्रम हमने देखे, 0.46, 0.58, 0.60 प्लस 0.71। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये चारों प्लेक्ट्रम मैंने यूज़ किए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वाला जो प्लेक्ट्रम है 0.46 उसके थ्रू बताता हूँ मैं। देखिए
है ना। तो पतले प्लेक्ट्रम की खासियत यही होती है कि यहाँ पर जब उन लोग फास्ट मूवमेंट करते हैं बहुत आसानी से हो जाता है, आपको पता ही नहीं लगता है कि आपका प्लेक्ट्रम तार पे टच भी हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो बिल्कुल वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, तो वो आसानी से उसका मूवमेंट हो जाता है। उसके बाद 0.58 mm, तो ये हो गया 0.58 mm। देन उसके बाद 0.60, अब लास्ट है 0.71। तो ये चारों प्लेक्ट्रम मैंने यहाँ पर बजाए। तो यहाँ पर मेरा जो ओपिनियन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव है, उसके आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप प्लेक्ट्रम ना तो ज़्यादा पतला यूज़ करिए ना ज़्यादा मोटा यूज़ करिए, ठीक है। ये जो यहाँ पर मैंने आपको बताया 0.46, 0.58 प्लस 0.60, ये जो प्लेक्ट्रम है इसको आप लोग इन तीनों में से कोई भी प्लेक्ट्रम आप लोग यूज़ करते कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए इन तीनों में से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं जो यूज़ करता हूँ वो 0.58 mm का जो प्लेक्ट्रम है, जो कि ना तो ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है ना, तो उसको मैं यूज़ करता हूँ। वो 0.71 mm का जो प्लेक्ट्रम है, ये थोड़ा सा इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर जब हम तार पर इसको बजाते हैं तो वो एक पतला सा साउंड भी नहीं आता है, प्लस उसको मूवमेंट करने में थोड़ा सा अजीब सा फील होता है ना। ये मेरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरी जो राय है वो यही है आप लोगों के लिए, जो बिगनर्स हैं या जो आप थोड़ा बहुत बजाते भी यदि हैं, तो मेरी राय यही है कि आप लोग 0.46 से लेकर के 0.60 तक का जो भी प्लेक्ट्रम है, इतने mm तक का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको स्पीड में भी जब आप बजाएंगे तो आपका हाथ ज़्यादा अटकेगा भी नहीं और एकदम पतली सी आवाज़ आपको सुनाई देगी, क्योंकि जितना पतला थोड़ा सा प्लेक्ट्रम की जो थिकनेस है वो कम रहेगी, तो वहाँ पर तार की आवाज़ भी थोड़ी सी अच्छी आती है ना। और एक मज़ा आता है बजाने में भी, क्योंकि वो बहुत हल्के से चलता है, ठीक है। तो ये तीनों में से आप कोई सा भी प्लेक्ट्रम आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो थिकनेस मैंने आपको बताई है, और ये वाला जो है ये थोड़ा सा इसकी थिकनेस ज़्यादा है, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइट भी होता है थोड़ा ना, और ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से फ्लेक्सिबल होते हैं, ये सारे प्लेक्ट्रम जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये, है ना। तो इस तरीके से भी आप लोग चेक कर सकते हैं, यदि आपको ये थोड़ा टाइट है, ये देखिए, है ना। तो इस तरीके से ये चारों प्लेक्ट्रम के बारे में जो मेरे पास अवेलेबल थे उन्हीं में से मैंने आपको बताया है। तो ये बेस्ट है 0.46, 0.58 प्लस 0.60, इन तीनों में से आप कोई भी प्लेक्ट्रम यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त आपको फील यहाँ पर आएगा बैंजो बजाने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के किसी न किसी काम ज़रूर आएगा, और इसी तरीके की यदि कोई जानकारी आप लोग चाहते हैं बैंजो से रिलेटेड या संगीत से रिलेटेड, लय ताल सुर से संबंधित जानकारी यदि आप लोग चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए और कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग बता सकते हैं। वहाँ पर मैं आपके कमेंट्स को पढ़ करके उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं नेक्स्ट कंटेंट या नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के ज़रूर आऊँगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।